મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીનીઓએ નકાબ અને હિજાબ મામલે વિરોધ નોંધાવી સુરતની જમિયતે ઉલેમા એ હિંદ આજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. શિશુવિહાર શાળા નકાબ અને હિજાબ કાઢી નાખવા અંગે સૂચના બાદ વિવાદ સર્જાયો હતો. બોર્ડની પરીક્ષા દરમિયાન હિજાબ નકાબ કાઢવાની ઘટના બની હતી. પરંપરા મુજબ પહેરવેશ પહેરવાનો તેમજ ધાર્મિક ચિહ્નો હોવા મુસ્લિમ સમાજે વાત કરી હતી. તમામ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ સાથે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. શાળા દ્વારા નકાબ અને હિજાબ કાઢી નાખવા દબાણ કરાયું હોવાના આક્ષેપ સાથે વાલીઓએ કલેક્ટરને રજૂઆત કરી હતી. हम यहाँ पर सूरत कलेक्टर ऑफिस के पास आवेदन पत्र देने आए हैं और हमारी मांग ये है कि हमारी जो बच्चियाँ HSC और SSC के एग्जाम्स दे रही है उनको किसी भी तरह से मानसिक तान और मानसिक टॉर्चर न किया जाए. टॉर्चर ये हो रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आपका नकाब उतारो, आपका हिजाब उतारो. दिस इज नॉट डन. हमारे हिंदुस्तान की जो हमारा संविधान है उसके अंदर भी यही है कि सारे लोग अपनी अपनी संस्कृति के मुताबिक अपना अपना जीवन जी सकते हैं और इन बच्चियों को इस तरह से टॉर्चर करना कि आपका नकाब उतारो, हिजाब उतारो, तो इनको मानसिक तान ही अगर होगा और इस तरह से वो स्ट्रेस में रहेंगे, वो एग्जाम्स कैसे दे पाएंगे, तो उनके फ्यूचर का सवाल है. इसके लिए हम यहाँ पर ये आवेदन पत्र देने आए हैं कि इस तरह से उनको स्ट्रेस न दिया जाए, उनको एक पीसफुल एटमोसफियर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना एग्जाम्स अच्छी तरह से दे सके. कैमरामैन साबिर सैयद साथ सोनल टोपीवाला, दिव्यांग न्यूज़, सूरत.